सर्वधर्म समभाव सभा जो कि आज गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर बड़वानी जिले के गांधी समाधि पर नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा अन्य संगठनों ने मिलकर किया, जिसमें कि समाज के सभी धर्म गुरुओं ने भाग लेकर आज की परिस्थिति में समाज के ऊपर, जाति धर्म के ऊपर सभी धर्म गुरुओं ने यह संदेश दिया कि आज की परिस्थिति में धर्म जाति के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तथा आज गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर ये एकजुटता का संकेत दिया कि आज भी गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर आज भी सभी धर्म जाति सभी एक समान है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज बचाओ आंदोलन के द्वारा सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया है और एक ये दीदी के द्वारा जो सर्वधर्म अभियान चलाया जा रहा है वो आज की परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में आप देख रहे हो सांप्रदायिक शक्तियाँ किस प्रकार से भाई भाई को लड़ा रही है, आपस में धर्म को लड़ा रही है। इसके लिए ये जो कार्यक्रम रखा है अच्छा कार्यक्रम है। तो यही आह्वान किया कि हम सबको भारतवासियों को एक ही धर्म है हमारा कि तिरंगा धर्म है और हमारा मजहब भी सिर्फ एक ही है, भारतीयता है। अगर हम उसको कायम रखेंगे तो हम पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। और जिस तरीके से आज देश की राजनीति हो रही है और सियासतदान अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा और देश का विकास, युवाओं को रोजगार और जो मूलभूत जरूरत है हमारी उसको हम पूरी कर पाएंगे। आज शहीद दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, हम सभी शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं और जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज हिंसा हो रही है उसका हम धिक्कार करते हैं, न केवल गांधी को लेकिन कई जगह मुसलमानों को, कई जगह क्रिश्चियनों को हमला करके जो मारा जा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं इस देश में अगर आजादी बचानी है, इस देश में अगर मानवीयता जो संविधान से और जनतंत्र से बच सकता है उसको बचाना है तो जाति धर्म पंथ प्रांत वर्ग और लिंग भेद के पार जैसे किसान मजदूर आंदोलन चल रहे हैं वैसे हमारा परिवर्तनकारी आंदोलन भी चलना चाहिए। न केवल नर्मदा पर हर नदी, हर धरती, हर पहाड़, हर जंगल, पेड़ पौधे बचाने हैं तो ये एकजुटता ही काम आने वाली है। इसलिए आज हमारा ऐलान है सभी राजनेताओं को कि आने वाले चुनाव में भी आप जाति और मजहब के नाम पर वोट न बांटो, वोट न मांगो, आप नोट शराब सब कुछ बटोरते रहे हैं और इंसानों में बंटवारा हमें मंजूर बिल्कुल नहीं है। वो नशा अलग ही है, वो जात्यंध और धर्मांधता की नशा है, इसके हिंसा चलेगी। गांधी जी ने अहिंसा के साथ साथ सत्य की बात कही है और स्वराज्य की बात कही है।